हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सन्नप्पा। सो ये वीडियो मैं हिंदी में बनाता हूँ क्योंकि पहले मेरा वीडियो पूरा मैं इंग्लिश में बना रहा था, तो थोड़ा बहुत आदमी लोग बोला था कि हिंदी में बनाइए तो हम भी थोड़ा अच्छा भी समझेंगे करके, तो इसलिए ये वीडियो मैं हिंदी में बनाता हूँ। और मेरा हिंदी है ना थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होएगा, ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना। अगर कुछ नहीं समझता है मुझे कमेंट में पूछ लेना, हिंदी में नहीं इंग्लिश में, ठीक है। ओके, ये वीडियो में हम देखेंगे कि थर्मोस्टाट, ठीक है, ये थर्मोस्टाट क्या होता है, ये थर्मोस्टाट क्यों यूज करते हैं, थर्मोस्टाट ये कैसा काम करता है, ठीक है, और ये थर्मोस्टाट को कनेक्शन और सेटिंग कैसे करेंगे, ये वीडियो हम 2-3 पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। पहले ये थर्मोस्टाट क्या होता है देखेंगे, ओके। उसके पहले आप मेरा वीडियो मेरा चैनल देखता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये थर्मोस्टाट मतलब क्या, ये थर्मोस्टाट क्या होता है, ओके। आजकल जो भी हम गल्फ में रहते हैं और गांव में भी रहते हैं, बहुत धूप होता है, ठीक है, पूरा घर में एसी होता है अपना आजकल, ओके। पहले फैन होता था, अभी एसी होता है। तो एसी क्या करता है, जो रूम का अंदर का हवा लेके ठंडी करते हैं, ओके। जब हम रिमोट में उसको सेटिंग करते हैं 22, 23, 24, ठीक है, 22 एसी चलते रहते हैं, 22 वो कैसा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ओके। 16 भी हम सेटिंग करते हैं, 16 भी वो कैसा, उसको एसी को कैसा मालूम पड़ता है कि 16 टेम्परेचर हो गया, ओके। और 24 सेटिंग करता है तो एसी को कैसा मालूम पड़ता है तो 24 टेम्परेचर हो गया, ये सब ये थर्मोस्टाट में हो जाता है, ठीक है। अभी अपना घर में जो होता है छोटा एसी, उसमें इनबिल्ट थर्मोस्टाट होता है, उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी होता है, ओके। वो खुद रूम का टेम्परेचर मेजर करके, जब जो भी हम सेट करते हैं टेम्परेचर में, उसमें कंप्रेसर को कट ऑफ करके जब टेम्परेचर हाई होता है तभी कंप्रेसर को चालू कर देते हैं, ठीक है, ऐसा मेंटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जाते हैं बड़ा बड़ा मॉल, होटल, बड़ा बिल्डिंग में होएगा, उधर एयूच्यू रखेगा, ठीक है, एयर हैंडलिंग यूनिट, नहीं तो एफसीयू फैन कॉइल यूनिट रखेगा, ओके। सो वो एयूच्यू और एफसीयू क्या होता है, वो बड़ा एसी होता है, ओके। मतलब घर में जो है वो छोटा एसी है, जो माल में वो होता है वो भी एयर कंडीशनर बट बड़ा है, उसका इसलिए उसका नाम एयूच्यू एयर हैंडलिंग यूनिट बोलता है, एफसीयू फैन कॉइल यूनिट बोलता है, ओके। सो उसको कंट्रोल करने के लिए तो ये थर्मोस्टाट यूज हो जाता है, ओके। अभी देखिए एएचओ होता है, एएचओ किधर यूज करता है, एएचओ कोई चिल्लर में भी यूज करता है मैक्सिमम, नहीं तो डीएक्स यूनिट में यूज करते हैं, ओके। एएचओ और डीएक्स यूनिट मिलके एक बड़ा एयर कंडीशनिंग हो जाता है, ओके। और चिल्लर लाइन प्लस एफसीयू कॉइल, ओके, वो भी एक बड़ा नेटवर्क का एसी हो जाता है, ओके। एग्जाम्पल ना अभी देखिए, एक बड़ा माल में एक एरिया में एफसीयू रखा, ओके, वो एरिया में कूलिंग करना, मतलब वो एरिया में 22 टेम्परेचर मेजर करना, उधर क्या करेगा, एफसीयू कॉइल क्या होता है, एफसीयू कॉइल के अंदर फैन होता है, फैन के साथ क्या कूलिंग कॉइल होता है, जो कूलिंग कॉइल में चिलर का पानी आके वापस जाएगा, जब ये फैन चालू होके हवा ये कूलिंग कॉइल में ऊपर डाल के और खींचता है, तभी ये हवा कूलिंग कॉइल के साथ हीट हो जाता है, सॉरी कूलिंग हो जाता है, ओके। तो ये हवा फिर खींच के वो कूलिंग कॉइल का ऊपर मार के क्या होता है, कूलिंग हो जाता है। इसको हम टेम्परेचर मेंटेन करना उसी के लिए क्या करता है, ये थर्मोस्टाट हम यूज करते हैं, ओके। सो ये थर्मोस्टाट क्या करेगा, ये थर्मोस्टाट जो भी वो एरिया पे कूलिंग एयर है उसको मेजर करेगा, okay? उसका टेम्परेचर मेजर करेगा, उसको टेम्परेचर मेजर करके वो एफसीयू के बोलेगा कि टेम्परेचर पहुंच गया पहुंचा नहीं है, ये काम करता है थर्मोस्टाट, ओके। थर्मोस्टाट मतलब क्या है ना, जो एयर कंडीशनिंग एयर तो टेम्परेचर का मेजर करके उसको फीडबैक देता है, जो भी यूनिट हम कंट्रोल करने वाला है, ओके, वो एफसीयू हो एएचयू जो भी हो। ये थर्मोस्टाट है ना अपना क्या बोलते हैं, अपना यूनिट का वजह से 3-4 टाइप्स होते हैं, ओके। एक है ना, एक थर्मोस्टाट बाइनरी टाइप थर्मोस्टाट होता है, बाइनरी टाइप मतलब इसका जो टेम्परेचर मेजर करके जो फीडबैक देता है ना, वो फीडबैक आउटपुट बोलते हैं, वो आउटपुट का देके 2 टाइप्स होते हैं नॉर्मली, ओके। एक मॉड्यूलेटिंग टाइप थर्मोस्टाट होता है, ओके,
दूसरा एक नॉन मॉड्यूलेटिंग नहीं तो बाइनरी टाइप ओके और डिजिटल टाइप, डिजिटल टाइप आउटपुट का थर्मास्टेट होता है। अभी एच विथ डीएक्स यूनिट देखेंगे ओके। पहले जो बाइनरी टाइप है ना, दिस थर्मोस्टाट विथ बाइनरी आउटपुट, नहीं तो नॉन मॉड्यूलेटिंग टाइप थर्मोस्टाट मैक्सिमम किधर यूज हो जाएगा, डीएक्स टाइप यूनिट के साथ एच जो इंस्टॉल करता है उधर यूज हो जाएगा ओके। उधर क्या होता है, एच होएगा, एच मतलब एयर हैंडलिंग ब्लोअर हो जाए, ब्लोअर होएगा और उसके साथ जो उसको कूलिंग कॉइल में गैस भरने के लिए मतलब गैस कूलिंग गैस कूलिंग मटेरियल सर्कुलेट करने के लिए डीएक्स यूनिट कंप्रेसर यूनिट होएगा ओके। वो कंप्रेसर कैपेसिटी के ऊपर सिंगल स्टेज डबल स्टेज ऐसा हो जाता है ओके। ऐसा भी थर्मोस्टाट भी सिंगल स्टेज डबल स्टेज का आएगा। ये सिंगल स्टेज मतलब सिंगल कंप्रेसर ऑन होने के लिए, डबल स्टेज मतलब डबल कंप्रेसर ऑन होने के लिए ओके। अभी ये थर्मोस्टाट क्या क्या करेगा, ये थर्मोस्टाट जो भी ये जो सर्व करता है रूम पे इंस्टॉल करेगा, तभी ये अपना टेम्परेचर जो रूम का टेम्परेचर मेजर करके जब इसको चालू करते हैं, ये पहले एच को चालू करेगा ओके। एच चालू होने के बाद अगर जो अपना एरिया में जो हवा होता है ना उसका टेम्परेचर ज्यादा है मतलब उनको कूलिंग करना, तभी ये क्या करेगा, डीएक्स यूनिट को स्टार्ट कमांड देगा, कंप्रेसर यूनिट को चालू हो मतलब टेम्परेचर मुझे कम करना, तो ये चालू करेगा। जब ये स्टार्ट कमांड बाइनरी इनपुट मतलब एसी 24 वोल्ट एसी नहीं तो 230 वोल्ट एसी जो भी अपना टाइप, ये थर्मोस्टाट है ना 24 वोल्ट एसी में मिलेगा 230 वोल्ट एसी में मिलेगा ओके। जो भी अपना यूज करता है वो आउटपुट डीएक्स यूनिट को जाएगा, जो डीएक्स यूनिट में कंप्रेसर है ना वो चालू होके अपना एरिया को कूलिंग करने के लिए शुरू करेगा ओके। अभी अपना टेम्परेचर थर्मोस्टाट में सेट करते हैं 22 ओके, नहीं तो 20 सेट करता है। जब ये कूलिंग मतलब हवा का टेम्परेचर 20 हो जाता है, ये तुरंत क्या करेगा, यूनिट को कंप्रेसर यूनिट को बंद करेगा ओके। इसमें ऑप्शन भी हो जाता है ओके, आपको दोनों बंद करना मतलब ब्लोअर भी बंद करना नहीं तो डीएक्स यूनिट भी बंद करना, उसमें ऑप्शन होएगा, सेटिंग में होता है। आपको ब्लोअर कंटिन्यूस चालू होके सिर्फ कंप्रेसर को ऑन ऑफ करना, वो भी हो जाएगा ये थर्मोस्टाट के साथ में ओके। ये इसमें अगर देखिए हम ये थर्मोस्टाट रूम में इंस्टॉल कर, अगर रूम में इंस्टॉल करेगा रूम से वो डायरेक्ट ये सेंसर करेगा ठीक है। अगर हमको रिमोट एरिया पे इधर से दूसरा कहीं एरिया को हम कंट्रोल करना ओके, तो कभी क्या करेगा, ये जो थर्मोस्टाट है ना ये एक्सटर्नल सेंसर इनपुट का टाइप भी आता है ठीक है। इसमें दो ऑप्शन होता है, एक जो एरिया में इसमें इनबिल्ट थर्मोस्टाट होता है मतलब इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर होता है, वो डायरेक्ट जो जब रूम में इंस्टॉल करेगा डायरेक्ट उधर का जो हवा है उसको मेजर करके यूनिट को कंट्रोल करेगा, नहीं तो दूसरा एरिया पे उधर से आप एक्सटर्नल सेंसर डाल के वो सेंसर को ये थर्मोस्टाट को इनपुट देते हैं, तो इधर से दूसरा जो भी एरिया होता है सेंसर के थ्रू हम ये टेम्परेचर सेंसर करके इधर से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं ओके। ये नॉन मॉड्यूलेटिंग टाइप मतलब बाइनरी टाइप नहीं तो डिजिटल आउटपुट टाइप थर्मोस्टाट होता है। ये मैक्सिमम एच विथ डीएक्स टाइप यूनिट का ये टाइप थर्मोस्टाट यूज करते हैं। दूसरा टाइप का थर्मोस्टाट है मॉड्यूलेटिंग टाइप ओके। मॉड्यूलेटिंग टाइप मैक्सिमम एफसीयू में फैन कॉइल यूनिट में यूज करेगा ओके। हम बड़ा बड़ा माल में जाएगा, बड़ा बड़ा स्टोर पे, दूसरा क्या होता है कोल्ड स्टोर, बहुत सारे एरिया में होता है ओके। एफसीयू उधर बीच में एफसीयू इंस्टॉल करेगा, चिल्लर से चिल्लर पाइप डाल के उसको इनपुट और आउटपुट इन एंड आउट में कनेक्शन किया होगा ओके। और एक एफसीयू के साथ में एक मॉड्यूलेटिंग टाइप थर्मोस्टाट कनेक्ट किया होगा ओके। ये मॉड्यूलेटिंग टाइप थर्मोस्टाट क्या होता है ओके, ये मॉड्यूलेटिंग टाइप थर्मोस्टाट क्या होता है, पहले हम जो देखा ना जो डीएक्स टाइप यूनिट का, उसमें ऑन ऑफ करेगा, ऑन करे तो यूनिट ऑन होएगा, ऑफ करेगा यूनिट बंद होएगा। लेकिन मॉड्यूलेटिंग टाइप थर्मोस्टाट में क्या हो जाएगा, सेटिंग के ऊपर ये जो आउटपुट देते ना वो एनालॉग टाइप 0-10 वोल्ट देगा ओके। वो 0-10 वोल्ट क्या करेगा, जो चिल्लर का लाइन है ना उसमें एक्चुएटर लगाया होगा ओके, एक्चुएटर। सो दिस ये जो आउटपुट जाता है ना 0-10 वोल्ट, वो टेम्परेचर का ऊपर वो क्या वो वाल्व का ओपन क्लोज करेगा। एग्जाम्पल अभी देखिए, हम टेम्परेचर सेट कर दिया ओके, सेट अभी देखिए अपना नॉर्मल अपना एरिया में टेम्परेचर होता है 35 ओके, अभी जो नॉर्मल है
अभी थर्मोस्टाट उसको कमांड देता है वाल्व को कूलिंग करने के लिए, तो खोलो, मतलब ये 0 to 10 volt का वेरिएशन में वो मॉड्यूलेट करेगा। पहले देगा 10 volt, वाल्व पूरा खोलेगा, तो क्या करेगा ये FCU फुल चिलर पानी के बीच में हवा मार के ये एरिया को कूल करेगा। जो कूलिंग बढ़ते बढ़ते रहता है ये तुरंत क्या करेगा, 0 to 10 volt को कम करेगा, 9 volt 8 volt ऐसा। ओके, तो वो वाल्व क्या होएगा 100% जो ओपन से धीरे 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 क्लोज होएगा। अपना जो सेटिंग होता है 22, जब ये 22 पहुंचेगा ये वाल्व को बंद करेगा। ओके, बंद करेगा, नहीं तो थोड़ा सा ओपन में रखेगा, मतलब जो मॉड्यूलेट करके रहेगा। जब ये टेम्परेचर फिर बढ़ता है तो ये वाल्व को ओपन और ओपन करेगा। कैसा, इधर से जो 0 to 10 volt आता है ना, अभी 1 volt देते हैं, तो और खोलना तो 2 volt देगा, और खोलना है तो 3 volt, तो फुल खोलना तो 10 volt। ये होता है मॉड्यूलेटिंग टाइप थर्मोस्टाट। ओके, ये मॉड्यूलेटिंग टाइप थर्मोस्टाट में 3 speed होता है, लो स्पीड, हाई स्पीड, सॉरी मीडियम स्पीड, हाई स्पीड। ओके, जो FCU का फैन कॉइल का स्पीड भी हम एडजस्ट कर सकते हैं इसका सिलेक्शन में। ओके, ये थर्मोस्टाट से आप लो सेलेक्ट करते हैं लो स्पीड में चलेगा, ये थर्मोस्टाट से हाई सेलेक्ट करेगा हाई स्पीड में चलेगा, मीडियम स्पीड सेलेक्ट करते हैं मीडियम स्पीड पे चलेगा। ऐसा थर्मोस्टाट से FCU को हम कनेक्शन करना पड़ेगा। ओके, जो वो कनेक्शन का ऊपर होता है। ओके, दिस थर्मोस्टाट ऑल्सो, ये थर्मोस्टाट भी आपको रिमोट सेंसर का साथ अवेलेबल होते हैं। ओके, FCU मैक्सिमम रिमोट सेंसर का जरूरत नहीं है, क्योंकि FCU सिर्फ ओपन एरिया में कूलिंग करता है, सो ये डायरेक्ट सेंस करेगा। फिर भी आपको उधर सेंसर इंस्टॉल करने के लिए जगह नहीं है, नहीं तो आपको दूसरा एरिया पे इसको कंट्रोल करना है तो उसको स्पेस सेंसर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो FCU के साथ में भी आपको ये डक्ट सेंसर इंस्टॉल करके आपको कैसा भी जो टेम्परेचर को मेजर करके इसको कंट्रोल करना, यही अपना इंटेंशन है। ओके, उसको ऊपर हम कैसा भी हम कर सकते हैं। ओके, सो ये थर्मोस्टाट होता है। ओके, सो ये थर्मोस्टाट दोनों, मतलब कूलिंग हीट करने के लिए भी यूज हो जाता है, हीट करने के लिए हम दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल यूज करते हैं, वो तो अलग हो जाता है। मैक्सिमम ये टाइप का थर्मोस्टाट होता है कूलिंग करने के लिए, HVAC कूलिंग सिस्टम में मैक्सिमम ये थर्मोस्टाट हम यूज करेगा। ओके, सो अभी आपको समझेगा लगता है तो थर्मोस्टाट क्यों यूज करता है, कैसा यूज करता है, किधर यूज करते हैं। ओके, इसको कनेक्शन कैसा करेंगे, मतलब DX टाइप यूनिट का थर्मोस्टाट का कनेक्शन कैसा होता है, और मॉड्यूलेटिंग टाइप का, मतलब FCU का मॉड्यूलेटिंग टाइप है ना, उसका थर्मोस्टाट का कनेक्शन होता है, विथ सेंसर विदाउट सेंसर कैसा कनेक्शन करना वो दूसरे पार्ट में देखेंगे। ओके, उसके बाद उसको कैसा सेटिंग करना वो भी साथ में देखेंगे। ओके, अगर इसमें आपका कुछ डाउट है आप मुझे पूछिए, अगर कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करेगा। जो भी आपका डाउट होता है आप प्लीज कमेंट में लिखिए, देखिएगा। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद होता है प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरा दूसरा वीडियो भी है, वो भी इंग्लिश में है, ठीक है, अगर आपको देखना है तो वो देख सकते हैं। मैं मेरा वीडियो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स PLC VFD प्रोग्रामिंग पूरा डाला हुआ है। ओके, आपको जो भी पसंद है वो देख के सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना और आपको भी नॉलेज इंप्रूव करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं दूसरा वीडियो में ये पार्ट टू, अगर ये वीडियो पसंद हो के बहुत व्यूज होएगा मैं पार्ट टू बनाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।